अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशिर खबरनामे हेत चुस साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मरकजी सरकार तरफ जरी कानून अन्न पते ये जमींदार तरफ एहतजाज मुजाहरन सिलसिल जारी तो अल पल पत्मो दो रेतों पे पंजाब हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमित जमींदार दिल्ली हंद सरहद नजदीक एहतजाज करान तत आज मरकजी सरकार तो जमींदार दरमियान मसल अंजरान हवाल कतबात जारी यदव अज कतबा पे सारे हज नजर ताहम जरा पे वन आमुत अज कतबात बेमानी तो बेसूद साबित सपदन वाजिन यपर्च एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमुत योतम मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निनस हवाल कहाँ हतमी फैसल निन यी तोतम रोज तिहद एहतजाज बदस्तूर जारी। श्रीनगर जम वात ये रामबनस मज कदल वसित इन पत आमद रफ्त बापत बंद करना आई तो वात बंद सपदन कि दरमंद मुसाफिरन तो वादी हंद लूकन मुश्किल तुलनस अलाव करोर वाद रुपयन प्रेत दो नुकसान सपदन तत बी आर ओ तरफ कदल तमीर करनस हवाल दो रात कम जारी ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इन वाल 48 घंटन मज यह कदल आमद रफ्त बापत मुकम्मल तैयार कर बाविन लायक मौसम मज तब्दीली इन पत कें दो ब्रो रामबनस मज कदल वसित आमुत यम कि वात इंतजामिया तरफ आमद रफ्त बापत बंद कर आम ये बेसिकली मैं जैसे आपको बताया कि ये NHAI का काम है और हमने देखा कि आवाम को बहुत परेशानी हो रही है NHAI के आवाम को, हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, इसको हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि 48 आवर्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। नहीं नहीं, मैंने आपको 48 आवर्स बताया है तो आपको मान के चलिए कि आपको परसों सुबह तक ये कंट्रीब्यूट हो जाएगा। परसों सुबह तक? हाँ जी। उसका जो लोड क्लासिफिकेशन हमने बनाया है ये 40 आवर्स जी, तो 40 टन का व्हीकल जो इंक्लूडिंग जो आपका लोड है ट्रक का वेट है 40 टन से ऊपर इसमें नहीं होना चाहिए। अभी देखिए NHAI का तो ये नया ब्रिज बन रहा है, जब वो बन जाएगा तो वही ब्रिज रहेगा, ये तो टेम्परेरी ब्रिज है हमारा जी। तो इसको डिलॉन्च कर लिया जाएगा जब उनका ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा और एक डाउन स्ट्रीम पर भी वो दूसरा ब्रिज बनाएंगे शायद। श्रीनगर जम वात ये पत्मो कैयाह दो पे आमद रफ्त बापत बंद तो वत कैया मालबरदार गाड़ दरमंद तत आज कजगुंडस मज दरमंद ड्राइवरों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदव दरमंद ड्राइवरन कैया रंगो मुश्किल वेतरन पेवान ताहम चुन इंतजामिया तरफ ड्राइवरन हिंद मुश्किल दूर कर हवाल कह कदम तुलना आमुत दरमंद ड्राइवरों तरफ बुथिन वल मुश्किल दूर कर इंतजामिया मंग कर आम कि यहाँ बाथरूम आना चाहिए। हमारे जो लखनपुर से लेके श्रीनगर तक कितने टोल लेती है गवर्नमेंट, हर जगह पे टोल लगा रखा है हर जगह पे, यहाँ पे कोई सहूलियत नहीं है, बाथरूम की नहीं है, पानी की नहीं है, किसी चीज की नहीं है। कल आए या परसों आए राशन वाले 2 किलो चावल देंगे, इतना सा दाल देंगे, उससे हमारा पेट भर जाएगा क्या? जहाँ बाथरूम के लिए किसी के घर के सामने जाए वो तो पत्थर मारेगा। हमारी गाड़ी हमारे गवर्नमेंट से ट्रैफिक पुलिस वालों से अपील करते हैं, हमें पहले यहाँ से ट्रक ड्राइवर 12 दिन से हम इधर खड़े हैं और इधर प्रॉब्लम हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाथरूम की आती है और जगह नहीं है बाथरूम जाने के लिए और गाड़ियों में पानी की दिक्कत है, राशन की हर चीज की हमको इधर प्रॉब्लम है। एक आधी बार देगी गवर्नमेंट एक दिन से देने से क्या होता है, हमको 10 दिन हो गए 12 दिन में, तो एक दिन का राशन देगी तो उससे क्या होगा, स्टोव में तेल नहीं है, मिट्टी के तेल की बहुत प्रॉब्लम है और हर चीज की प्रॉब्लम और गाड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बाथरूम की है हमारे को। ठीक है, जो वादी मज ये खुशक मौसम रोजन सर्जे हरारत मज कमी आई तो दर्जे हरारत मज कमी इन सबी जखीर तंजमद सपद तो इंतजामिया तरफ लूकन वन आव तुम गील डलस मज जिंदगी खतरस मज त्रा तत CRPF एहलकार जील डलस मज तुलकतरस पे वा आम यम कि सवाल इंतजामिया पे पौद सपदमित आया इंतजामिया तरफ या CRPF एहलकार खिलाफ कह कारवी अमल मज अ किन हुकुमनाम सिर्फ आम लूकन हंद बापत जारी करना आमुत। इतनी हार्ड स्नो डल लेक का नजारा देखिए, जवान हमारा कैसे खड़ा हुआ है, पूरी पूरी जम चुकी है झील,
इतनी हार्ड स्नो। वादी कशीर में ये वंद कालस दौरान लूक सर्दी निश बचने बापत रवायती तरीक कार इस्तेमाल अमल मज अनन तु वंद कालस दौरान गर्म मलबूसात इस्तेमाल मन तूकन हूं रवायती तरीक ये ये वर्य वंद कालस दौरान वादी मज सर्दी मज इजाफ वुचने आमुत तु गर्म मलबूसात कनन वालों दुकानदारों तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आमुत सर्दी मज हुर सपदन सहज खरीदारी मज तुर सपुदमत की डिमांड है इस वक्त बहुत सारी टोपी मफलर और ग्लव्स ये तो ज़रूरी है सुबह निकलने से पहले पहले इनको ढूंढना पड़ता है घर में तो फिर मैं निकल जाता है उधर इधर दुकानदार या कोई मुलाजिम हो या कोई ऑटो वाला हो कोई भी हो इनके पास ये टोपी ज़रूरी होनी चाहिए इसकी डिमांड है हमारे पास बहुत इस वक्त ऐसे मफलर है इसके साथ टोपी है और ग्लव्स है इनकी डिमांड तो ज़्यादा है इसमें बहुत सारे डिजाइन आ गए हैं मफलर और ये टोपी आई है जॉइंट में वो भी है दूसरी आई है टोपी वो उसके साथ वो मास्क भी है उसका वो मफलर भी बनता है और मास्क भी बनता है ये बनाया है इन्होंने बहुत अच्छा चीज़ मास्क भी है इसके साथ तो वो मतलब मास्क का भी काम देता है तो सब लोग आपके पास आते हैं बहुत सारे आते हैं जिनमें इसका बहुत रश होता है टोपी मफलर ये ग्लव्स दिन भर इसका रश होता है जी आज यहाँ चल रहा है चलाई कलान बहुत ठंड होता है माइनस में होते यहाँ होता है सुबह निकालना होता है बहुत ठंडी होती है इसीलिए टोपी और मफलर और ग्लव्स ये बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए भी और अपने आप के लिए भी तो आप इसमें नए नए डिज़ाइनर्स भी आए हैं हाँ देखेंगे पहले ये तो चेक करेंगे कैसे कैसे डिज़ाइन है जो अच्छा होगा वही ले जाएंगे तो कितना ज़रूरी समझते हैं आप ये बहुत ज़रूरी है कालद रंग फिसल कुलगाम के लूको तरफ आज एहजाजी मुजाहरे करना आमुत यह दौरान एहजाज में शामिल लूक इंतजामिया खिलाफ नारबाजी करान एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे इलाकस में गाड़ी वाल मनमानी हिसाब लूकन निश किराई वसूल करान तो मामल इंतजामी च नोट्स मज तव ताहम अत रोट लागन बापत आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम कि मुकामी लूक एहजाज कर पे मजबूर सपद एहजाजी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत अत मामल कुन गई जोन दिन युन युन लूक दुबार सड़कन पे इन मजबूर सपदन इस इलाके में हमारा सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हमें किराए में भी दुगना देना पड़ता है और ना हमें सोमो में सीट भी नहीं मिलती है लिहाजा हमने भाई दफा का ये फैसला किया कि हम सड़क पे आके प्रोटेस्ट करेंगे अगर इस प्रोटेस्ट में डीसी साहब ने इसका इजाला नहीं किया तो हम इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाएंगे हम डीसी साहब से मौजूदाना गुजारिश करते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दें और कंसर्न जो SHO साहिब है या कंसर्न ARTO साहिब है वो इसकी फौरी एक्शन लेके तो इसको हल किया जाए। दुरुस्त भारत में ये पगह कोरोना वैक्सीन किस गोडनिकस मरहलस तहत महकमे सेहत कल मुलाजमन वैक्सीन दिन यी तत वादी मज तयम कर आमत सेंटरन पे अमे हवाल मुकम्मल इंतजाम कर आमुत ये जन जिले वरमूलिस मज महकमे सेहत कव जिम्मेदारों तरफ वन आव ज वैक्सीन दिन हवाल मुकम्मल इंतजाम कर आमुत जन ये मिशन कामयाब बना यी वैक्सीन अब ऑलमोस्ट आने वाला है हम 16 से इसका शुरुआत करें और इसका जो इफ्तिताह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करेंगे बाय वर्चुअल मोड हमारी पूरी तैयारी उसका एक ड्राई रन भी हुआ है या जो पिछले हफ्ते में आपने देख लिया काफ़ी सक्सेसफुली हमने किया इसके हवाले से जो जहां तक पहले फेज़ में हम जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको इम्यूनाइज करेंगे इसके सिलसिले में हमने एसोसिएट हॉस्पिटल में एक बड़ा सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है जहाँ पर हम ये वैक्सीन और वैक्सीन के अलावा जो हमारे पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए एक फैसिलिटी हमने यहाँ इस्टेब्लिश की जो हमने यहाँ पर एक अगर जो अगर किसी भी शख्स में जिसको ये वैक्सीन दिया जाएगा कोई किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हुई या कोई रिएक्शन या कोई कोई इससे जो जुड़े हुए कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उस सिलसिले में हमने यहाँ पर एक टर्सरी केयर लेवल एक सेंटर इस्टेब्लिश किया जिसका लास्ट टाइम डीसी साहब ने दौरा किया और हमने देख लिया वो
तो ये सब जो तैयारियां हैं इसके सिलसिले में वो सब हमने करी हैं। यपर जिले डोडास में महकमे सेहत के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यदवे पगह गोडनिकस मरल तहत जिलस में महकमे सेहत में काम करन वाले मुलाजमन वैक्सीन दिनी तथे अमे अवाल मुकम्मल इंतजाम करना आमुत। कोविड 19 वैक्सीन की बात आपने हमारे साथ किया है यहाँ पे, एक तो बड़ी खुशी की बात है कि एटलीस्ट वैक्सीन जो है वो हमारे पास अभी पहुँच चुका है। इसमें जो है सबसे पहले हम लोगों ने GMC मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे और सुंदरबनी में लगाना है हम लोगों ने, और हमारे पास वहाँ पे जो एक्सीडेंट ये अपना एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC रजौरी है वहाँ पे हमारे पास 690 जो टोटल एम्प्लॉइज हैं उनको, सभी जो पैरामेडिकल स्टाफ भी है उसमें और डॉक्टर्स भी हैं सब लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। और उसके अलावा जो दूसरी जो साइट हम लोगों ने डिसाइड की है वो सुंदरबनी जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे, और वहाँ पे लगभग जो 460 के करीब हमारे जो एम्प्लॉइज जितने भी हेल्थ के एम्प्लॉइज हैं उनको हम लोगों ने वैक्सीनेट करना है। और जो वैक्सीन की आपने पूछा है मुझे कि क्वांटिटी कितनी आई है, तो वो हमारे पास अभी सिर्फ सिंगल डोज ही आई है और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में आई है, और जूं जूं आती रहेगी जैसे ही हमारे सेशंस वगैरह कंप्लीट होंगे तो हमें और भी वैक्सीन जो है वो हमें स्टेट से मिल जाएगी। पहले हेल्थ वर्कर, उनके बाद नेक्स्ट स्टेप किसका रहेगा? हाँ बिल्कुल, जो सबसे पहले फेज में जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स रहेंगे जिसमें हमारी पुलिस रहेगी, हमारे म्यूनसिपैलिटी के जो वर्कर्स हैं वो रहेंगे, रेवेन्यू वाले रहेंगे, और उसके साथ ही हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो आर्म्ड फोर्सेज हैं ये उनके लिए भी रहेगी। और लास्ट यपर ये जिले डोडास मज रात शाम महफूज तरीकस मज जम पे डोडा वैक्सीन वातना आव तथे इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आम वैक्सीन दिनस हवाल जिलस मज मुकम्मल इंतजाम करना आमुत जन गोड मरल कामयाबी सान अंजाम दिन। जो सरकार की तरफ से जो कोविड रिलेटेड वैक्सीन है कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट की, वो आज हमारे पास डोडा में जो है वो पहुंच चुकी है। पहली जो एक बैच है वैक्सीन्स की 1950 वैक्सीन्स जो शुरुआत में जो है वो दी जाएगी, उसकी बैच जो है ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो हम सब के लिए आप देख रहे हैं कि पिछले साल भर में, पिछले 10 महीने से हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं, अब हमें जो है वो उसके बारे में एक बहुत ही अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिल रही है। आज आओ आर्मी डे हवाले फौज तरफ तकरीबन युद्ध सांस करने या दौरान सारी खुद बड़ तकरीब नई दिल्ली में मुनद सपज तकरीब दौरान ये फौजी सरबराहन वो फौज मुल्क हिफाजत कर वज फरज अंजाम दिवान तथे तमो जम्मू मं मिल्टेंसी कत कान वोम यदव पाकिस्तान तरफ जम्मू माहौल खराब करनस हवाल कोशिश जारी है, तहम फौज तरफ यम कोशिश नाकाम बनान बापत संजीद कदम तुलना आमुत यम तमो वो मिल्टेंसी मुखालिफ कारवैन दौरान फौजस पतमिस वरियस मं सटा कामयाबी हासिल सपजम यम कि वादी मं हालात बेहतरी कुन पकान। पिछला वर्ष सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारत और चीन के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की अब तक 8 वार्ता हो चुकी हैं। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। भारी ठंड और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे सैनिकों का मनोबल उन पर्वत शिखरों से भी बहुत ऊंचा है जिसकी वो मुस्तैदी से रक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष
सीज फायर वायलेशन में 44% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार के स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशंस और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से न केवल को दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, बल्कि घुसपैठ के अनेक कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। पिछले वर्ष सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 200 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इन प्रयासों से जेएनके में न केवल हिंसा की घटनाओं में काफ़ी गिरावट आई है, बल्कि आवाम को भी आतंकवाद से राहत मिली। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट महकमे कमिश्नर सेक्रेटरी आज जिले बड़गाम दौर कौर दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर तौजूद दौरस दौरान ये तिमो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर दफ्तर मज काम कार जायजे हत तु तमो वोनमुत महकम मुख्तलिफ स्कीमन तहत मजूर पेश लूकन पोस फराहम करान युत जन तम अयाल परवरिश कर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो वर्कर है, जो लेबर कार्ड जिनके पास होता है, उनके बच्चों के वजीफे के लिए गवर्नमेंट का पूरा एक इम्कान बना हुआ है। उसके तहत पहली क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तक एक स्लैब बनी हुई है, अलग अलग रकम है, तो 50,000 की रकम से लेकर 4,000 की रकम तक अलग अलग स्लैब्स हैं। और उसके तहत भी हम लोगों ने लास्ट ईयर, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन सेस, लगभग 70 करोड़ के करीब की रकम बांटी गई, जो इन परिवारों में गई और उनके बच्चे इससे पढ़े। इसके अलावा जो कोई खुदा ना खास्ता किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसकी इंश्योरेंस भी हमने करा के रखी हुई है और उनको भी लगभग 2.25 लाख रुपए की रकम इसमें मिलती है। अगर कोई वर्कर किसी कारण बीमार पड़ जाता है, कोविड के कारण, दूसरे कारण से, तो उस वर्कर को भी इसमें डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा कुछ और इनोवेटिव बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बेटी की शादी के लिए मैरिज बेनिफिट, और अभी हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब के डायरेक्शन पे और जो हमारे एडवाइजर हैं फारूक खान साहब, जो चेयरमैन भी हैं इस बोर्ड के, उन्होंने एक नई स्कीम का आगाज किया जिसमें बाइसिकल भी दी जाएगी। जो गर्ल चाइल्ड है उसको बाइसिकल के लिए अमदाद दी जाएगी ताकि वो मोटिवेटेड हो जाने के लिए स्कूल वगैरह, और जो हमारे कुछ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बाइसिकल की जगह कोई एक छोटा लैपटॉप जो है उनको दिया जाएगा। ये एक स्कीम है। इसके अलावा कुछ मेरिटोरियस बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी पूरी जो एजुकेशन कोचिंग का जो खर्चा है, जिस तरह आप देख रहे हैं आज बच्चों को नीट का बहुत कोचिंग महंगी हो गई है या आईएएस या केएस की कोचिंग महंगी हो गई है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कोई वर्कर का बच्चा भी जो है वो भी आईएएस केएस में आए या वो मेडिकल एंट्रेंस में जाए, तो उनकी पूरी की पूरी जो एजुकेशन है वो दिल्ली में स्पॉन्सर की जाएगी। वो स्कीम का खाका भी तैयार कर लिया गया है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें वर्कर्स के लिए, जो भी ट्रांसपोर्ट वर्कर कंस्ट्रक्शन में आ गए उनको रजिस्टर किया जाएगा तुरंत बिना किसी परेशानी के, और उनको 6 महीने के लिए एक इमदाद दी जाएगी। एक तो ये है जनरल एक डिसीजन जो स्टेट के लेवल पे, जो आपने स्पेसिफिकली पूछा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने वायलेशंस किए और वर्कर्स को उनका पीएफ वगैरह, उनका ईएसआई नहीं कटवाया और साथ उनको निकाल गया, उस पर काफी हमने सख्त एक्शन लिए हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को हमने नोटिस दिए हैं, इसमें स्कूल्स हैं, इसमें कुछ कॉलेजेस वगैरह हैं, जिन्होंने एकदम सडनली अपने मैन पावर को इसमें हटाया। उसमें वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट है बकायदा, उसमें काफी पावर्स हैं हमारे इदारे के पास। और जो भी इंस्टीट्यूशंस को मैं आपकी जानिब से मैसेज देना चाहता हूं कि हम वर्कर की जो इंटरेस्ट को कभी 100% डिफेंड करेंगे, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इस तरह की कार्रवाई करता है तो बड़ा सीरियस फाइन और हो सकता है क्लोजर भी उन ऑर्गेनाइजेशन का हमें करना पड़े। ऐसी कुछ कंप्लेंट्स आई हैं और कंप्लेंट्स में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे जब हम लेबर कार्ड बनाते थे अपना, तो इसमें एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना जरूरी होता था, जो कि 3 महीने का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट था। पहले उसको सिर्फ हमारे अधिकारी दे सकते थे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बीडीओ वगैरह। अब हमने एक स्पेशल पावर दी है कि जो हमारे न्यूली इलेक्टेड सरपंचेस वगैरह हैं, जो बीडीसी के चेयरमैन हैं, वो उस गांव में बैठ के ही वहीं से उनको वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो इसलिए वो फॉर्मेलिटी बड़ी सिंप्लीफाई कर दी गई है। दूसरा, हमारी सारी सर्विसेज जो है, गवर्नर साहब ने परसों हमारा रिव्यू लिया था जब सितंबर के महीने में, तब उन्होंने डायरेक्शन दिया कि सारी सर्विसेज को ऑनलाइन करना है। मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि जो हमारे पीर मुजफ्फर साहब जो इसके सीईओ हैं, उन्होंने सारी सर्विसेज को ऑनलाइन कर लिया है। और सारी सर्विसेज ऑनलाइन का मतलब है कि वर्कर अपने मोबाइल फोन पे ही घर बैठे बैठे ही वहां से वो अप्लाई करेगा, उसका जो अकाउंट है डीबीटी बेस्ड अकाउंट, आधार बेस्ड, उस पर उसको रकम मिलेगी। तो जो इंटरफेस जो बार बार इनको वर्करों को आना पड़ता है कोविड के दौरान है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है, मैं आपको पूरी तरह यकीन दिलाता हूँ कि बाय द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से ये सारा इंटरफेस टोटली ऑनलाइन। शुमाली कशीर हिंदिस पटन इलाक ये लूको तरफ शिकायत बावान वन वन बाजरस में द्रोजर आने किन आम लूकन सटा मुश्किल वेतन पेवान तज आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमच या दौरान मौकसी पे खिलाफ वर्जी करन वालन कईहन दुकानदार निश जुर्मान वसूल करना आव
यलजन कैया दुकान सर्बमहर त करना आई यपर्च इंतजामिया तरफ दुकानदार तंबिया करना आमुत तम ग सरकारी नरखनाम पे अमल करें युद्धन तिम खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। आज हमारी जॉइंट टीम जो जिसमें की तहसीलदार साहब, ईओ पटन, म्यूनसिपलिटी पूरी की टीम और टीएसओ साहब, हम आज मार्केट चेकिंग के लिए निकले क्योंकि लोगों की भरपूर शिकायतें आ रही थी। जो ये रास्ता बंद हुआ है उसकी वजह से जो हमारे पटन के दुकानदार थे उन्होंने मुनाफाखोरी ज़्यादा करने की शुरू कर दी और जो एक्सपायर चीज़ थी वो भी मार्केट में बेचने की कोशिश की। हमने वो सारी उनका एक्सपायर जो भी डेटे थी वो ज़ाया कर दी और मार्केट की चेकिंग की और कुछ दुकानदार जो पैसे अलावा ये चार्ज कर रहे थे उनको चालान किया। और अब मैं इस वक्त सब मार्केट से भी दुकानदारों से सबसे अपील करता हूँ, एक तो ये नाजायज़ फायदा मत उठाएं जो रास्ता बंद हुआ है, और लोगों से भी कहता हूं कि अगर किसी को कोई शिकायत हो कुछ हो वो हमसे तारो। हलमतपुर कपवार के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आमुत जी यदवे इलाकस में लुकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस हवाले हेल्थ सेंटर कायम करना आव ताहम चुन हेल्थ सेंटरस में डॉक्टर हिज तैनाती अमल में अन्न आमुत यम किन मुकामी लोगन सेठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लोगों तरफ से इंतजामिया मांग करना आमुत जे हेल्थ सेंटरस में गसे डॉक्टर हिज तैनाती अमल में अन्न यन युद्धन सु मकसद पूरे सपद यम बापत हेल्थ सेंटर इलाकस में कायम करना आव। देखिए जो हेल्थ सेंटर हलमतपुरा है यहाँ पर तीन बिल्डिंग्स इसकी बन चुकी है, करून में पैसा लग चुका है, फैंसी में करून का पैसा लग चुका है, लेकिन डॉक्टर की बहुत कमी है, यहाँ पर डॉक्टर कभी आए ही नहीं है। 9 साल से यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। हम बहुत बार सीएमओ ऑफिस भी गए, सीएमओ साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि हमें डॉक्टर दीजिए, हमने सोशल नेटवर्क की साइट्स पर भी ये डिमांड्स की लेकिन तस से मस नहीं हुए। पिछली बार उन्होंने कहा कि किसी अथर परवेज साहब को हमने यहाँ भेजा लेकिन मुझे लग रहा सिर्फ जबान ही उन्होंने बोला, कागजी तौर पर वो यहाँ पर नहीं आए। तो फिर उन्होंने कहा 6 दिन या 5 दिन के बाद, आज तब से भी 1-2 महीने हो गए लेकिन लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं। अगर किसी को छोटा सा जख्म भी लगे यहाँ पे हमारे जो एसेंट साहब है यही करते हैं ठीक, अगर ठीक ना हो तो उसको कुपारा भेजना पड़ता है। कुपारा भेजने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है, लोग बहुत सफर करें, यहाँ पे तकरीबन 8,000 की पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा एरिया है। अगर हेल्थ सेंटर अपग्रेड भी हुआ तो डॉक्टर होना चाहिए, लाजमी डॉक्टर यहाँ पर होना। हजन बंडपुर के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आमुत जदवे मुकामी सड़क हिंस खस्ताहाली हवाले कैया फिर हुकामन हुन जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम चुना आज ताम कहाँ कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लोकन सेठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लोगों तरफ से इंतजामिया मांग करना आमुत सड़क हिंस शहर पर हवाले गसन कदम तुलन यिन युत जन लोकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। न बनान माज पक न बनान बन पक न बनान लक्ट बच्चे स्कूल गहन टोट दि खत्म रोड अस गए एम एल ए सबस मोहम्मद अकबर लोन से कहें कोरो बाखुदा बारूसूल जबरदस्त तकरीबन गई तस वरी एम एल ए कहें कोर तम पर्सेंट कम कर नाकन पे पे गाड़ भर दादचा कपवार के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आमुत जदवे मुकामी सड़क हिंस शहर पर हवाले कैया फिर हुकामन हुन जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम चुना आज ताम शहर पर हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लोकन सेठा मुश्किल वेतरन पेवान तो मुकामी लोगों तरफ से इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस कुन गस खसूसी जोन दिन युन युत जन लोकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यिन रोडन हम जबरदस्त मुश्किल यह रोड ग दाद चक रश चक तकरीबन अम 8,000 आबादी पापुलेशन 8,000 2008 मज टर ग टिल डेटस तैयार वह नील ये पे नाड़ माना निमजे पे हूर खुन क्या बेमार पे वालन अत हे डांज पे तो एक्जनस तार पार अस कर अमस चीफ इंजीनियरस तार पार इमो वनुक तुम त्रोक नहीं नु त्रावान ये मैगडम तो नुस कर ब्रोह कुन कह ग फुल फोर गल डेवलपमेंट यह गील पे अत ग मैगडम पे। तो नाजरीन अत सत वोशर खबरनामान दियो इजाजत खुदा सवाल।